तो आप हाँ जम ये आई हमारे पास मारुति के अल्टो, इसका जो है तो हम चेक इंजन लाइट का प्रॉब्लम आया है। और हमारे अंकुश भाई अभी आपको इसका हमारे जो है तो एक स्टूल जो लेटेस्ट आज की तारीख का एकदम आधुनिक एक्स टूल H6 प्रो उससे जो है तो हम काम कर रहे हैं। अभी आपको शुरुआत शुरू से एंड तक दिखाते हैं। इसके पहले हमने तो बहुत सारी गाड़ियाँ की है, ऑडी बेंटली BMW मर्सिडीज वगैरह। तो अब देखिए आपको बताते हैं, ये देखिए गाड़ी देखिए, ये चेक इंजन लाइट के लिए हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो भी चेक इंजन लाइट कायम रह रही है, परफॉर्मेंस भी इसका बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अब आपको शुरू से बताते हैं, देखिए हमारे H6 प्रो का चमत्कार दिखाते हैं शुरू से, आपको एकदम शुरू से दिखाएंगे। ओके पहले तो एकदम शुरू से देखिए इसका OBD2 पोर्ट, हर गाड़ी का जनरली यहाँ आता है, देखिए स्टेयरिंग के नीचे वगैरह ज़्यादातर इसका जो है तो यहाँ आया हुआ है लेफ्ट साइड को स्टेयरिंग के, ठीक है। यहाँ OBD2 पोर्ट लगा है इसके केबल का एंड यहाँ पर आया इसके मॉड्यूल को, H6 प्रो के इस मॉड्यूल को लगाए, ये जो वोल्टेज है उसका यहाँ दिखाई देता है, जो भी बैटरी का वोल्टेज है 13.9 है। तो उसके बाद ब्लूटूथ से हम और वहाँ से कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। अगर हमको प्रोग्रामिंग कोडिंग करनी होती है तो फिर ये USB भी हम इसको लगाना होता है ताकि एकदम बेहतरीन तरीके से प्रोग्रामिंग कोडिंग हो सके। लेकिन अभी हमें प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह नहीं करनी है, हमारा काम है अभी देखिए चेक इंजन लाइट को का प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो अभी हम डायग्नोसिस शुरू करते हैं और गाड़ी का इंजन ऑन रखने की ज़रूरत नहीं इस समय, तो हम इंजन ऑफ करते हैं और चाबी ऑन रखते हैं, ठीक है। अब देखिए शुरू से आपको आखिर तक बताते हैं। तो ये डायग्नोसिस हमने दबाया, अब इसके बाद हमारी गाड़ी है ये एशिया, उसके बाद देखिएगा मारुति, ओके उसके बाद देखिएगा मारुति, ओके उसके बाद देखिएगा डायग्नोस्टिक, उसके बाद ऑटो ऑटोमेटिक। 2 मिनट ये आखिरी का एक गाड़ी का पूरा जो है तो कंप्लीट कर लेते हैं एकदम 2 मिनट में। हाँ तब तक आ जाएगा। हाँ उसके बाद देखिएगा ये आया इंडिया, बहुत काम है अभी लगातार हमको आगे जाना है, इसके लिए फास्ट हम काम ख़त्म करेंगे और एक ब्रेकडाउन को जाना है इसके बाद। ओके ये है जो तो अल्टो, इसमें शामिल है सब अल्टो, कई सारी गाड़ियाँ बताए तो अल्टो भी शामिल है। ओके आप देखते हैं आगे, यहाँ ऐसा आपको टिक टिक आवाज़ भी आएगी क्योंकि ये अपना काम करता जा रहा है, ठीक है ऐसे तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके यहाँ आवाज़ आती है ऐसे इस मॉड्यूल से। ओके ये अभी आगे बढ़ रहा है, इसको बढ़ेंगे। ये चेक इंजन लाइट है देखिए, यहाँ में जो है चेक इंजन लाइट का जो प्रॉब्लम है वो दूर करना है इस गाड़ी का। ओके यहाँ देखिए बलेनो बता रहा है, ये बलेनो नहीं है हमारी, स्टीम जिप्सी वगैरह भी नहीं, तो ये आदर्श में आ गया। ओके आदर्श में कर दिए, ये मैनुअल ट्रांसमिशन की बराबर है। ओके अब जो है तो ये ओके दबाते हैं, देखिए इतनी गाड़ियों में से है कि हमारी गाड़ी बिल्कुल है, उसमें अल्टो भी है तो ठीक है अल्टो भी है। ओके ये दबाया हमने, अब ऑटोमेटिक स्कैन शुरू कर दिया इसने। अब देखिएगा ये हमें फॉल्ट दिखाएगा, अब देखिए आपको हम अच्छे ढंग से चौड़ा करके बताते हैं देखिए। ओके ठीक है ये अभी फॉल्ट बताना शुरू किया है देखिए। ओके देखिए एक फॉल्ट बता दिया इसने, फॉल्ट बता दिया एकदम फास्ट बता दिया, हम ये थोड़ा कैमरा सेट कर रहे थे लेकिन तब तक उसने फॉल्ट भी बता दिया देखिए। तो ये ट्रबल कोड रिपोर्ट है, ये दबाइएगा देखिए इसने बता दिया ये फॉल्ट ना। ओके अब इसके बाद हम वो देख भी सकते हैं क्या है, यहाँ दबाएंगे तो अपने को क्या चीज़ है कैसा है देखिए। O2 सेंसर का उसने फॉल्ट बताया हुआ है, ये ऐसा दिखाई देता है ख़राब हो जाता है ऐसा देखिए O2 सेंसर। ओके तो अब हम जो है O2 सेंसर जो है आपको बताते हैं इसका निकाल कर और काम शुरू करते हैं।